गुड मॉर्निंग गाइस एंड गर्ल्स, आज संडे है। मैं हूं बी फुटबॉल और मैं लेके आया हूं कंप्लीट ट्रांसफर्स एंड रूमर्स ईपीएल से। तो पहले चलते हैं कंप्लीटेड ट्रांसफर्स की तरफ। और इस हफ्ते कंप्लीटेड ट्रांसफर्स कुछ ज़्यादा ही सुस्त थे। एक ट्रांसफ़र जो जस्ट फ्राइडे को शाम में पता चला है कि टॉटनहैम ने रिचार्लिसन को एवर्टन से 60 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया है और टॉटनहैम फिलहाल रुकने के मूड में है नहीं। अब बात यह है कि टॉटनहैम ने रिचार्लिसन को क्या केन के एंटिसिपेशन में ख़रीदा है कि केन कहीं और चले जाएंगे, विल जस्ट हैव टू वेट। फिलहाल इस हफ्ते और कुछ ईपीएल में गतिविधियां ट्रांसफर्स के हिसाब से नहीं हुई हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपकी टीम को किसको साइन करना चाहिए और क्यों। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीटेड ट्रांसफर। चलते हैं हम रूमर्स की तरफ और काफ़ी सारे हैं। टॉटनहैम बहुत बिजी हैं। वो चाह रहे हैं कि क्लेमेंट लिंगलेट जो बारसा के डिफेंडर हैं वो टॉटनहैम आ जाए लोन में। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए न्यूज़ है, फ्रेंकी डी योंग बारसा से मैनचेस्टर यूनाइटेड आना चाहते हैं। इनिशियली डी योंग ने मना किया था कि वो बारसा से कहीं नहीं जाएंगे, बट एरिक टेन हाग के आने के बाद वो चाह रहे हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकें। पर क्या आपको लगता है कि वो चैम्पियंस लीग फुटबॉल छोड़ के जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। ग्लीसन ब्रीमर सिल्वा नासिमेंटो एक ही आदमी है, इनको टॉटनहैम चेल्सी और आर्सेनल साइन करना चाह रहे हैं। बोले थे ना टॉटनहैम काफ़ी बिजी हैं इस हफ्ते। पर टोरिनो इनका वैल्यू 43 मिलियन पाउंड्स में रखते हैं, देखते हैं कैश कौन निकालता है। वेस्ट हैम अर्नॉट डनजुमा को विलारियाल से लेना चाहते हैं, वो 34 मिलियन पाउंड्स। क्या वो आएंगे? तो ये सारे ट्रांसफ़र्स हो गए अलग। अब चलते हैं ट्रांसफरों के सबसे बड़े ट्रांसफ़र पे। लिसन टू दिस, 103 मिलियन पाउंड्स के हैं ये 19 साल के जूड बेलिंगहैम। डॉर्टमुंड ने कहा है कि इसके नीचे वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड हैं इस फुटबॉलर में, पर देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। अगर ये दोनों से नहीं हुआ तो हमें पता है कि रियल मैड्रिड और पीएसजी तो हैं ही कैश देने को। और गाइस आपको अगर पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्योंकि 100 मिलियन पाउंड्स इन इटसेल्फ इज़ वेरी इम्प्रेसिव। पर उसमें 103 कैसे आया और क्यों आया, किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरी टेलेमांस को लेस्टर सिटी से लेना चाह रहे हैं। प्रिटी श्योर यूरी टेलेमांस लेस्टर छोड़ के फ़िलहाल इस साल तो नहीं जाएंगे। चलिए दिस इज़ इट फॉर दिस वीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी साइनिंग आउट। पीस।